हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज यादव यूट्यूब चैनल पे आज विदाउट कैप थोड़ा ऐसा लग रहा है। और कैसे हैं सभी लोग? राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, किम छो मछा मच्छो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब सभी के लिए, देशवासियों के लिए। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मोटे जो लोग होते हैं, मतलब जो थोड़े हेल्थी होते हैं लोग, ठीक है, फैटी होते हैं, उनकी नस को हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, उसकी वेंस को हम कैसे पकड़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, उनकी जो नस होती है तो वो हेल्थी होते हैं, ठीक है, हेल्थी होने के साथ साथ उनका जो वेंस होता है, जैसे देखिए ये, ठीक है, हम मैं अपने हैंड पे दिखाता हूँ, जैसे ये हेल्थी है, थोड़ा मोटा है, तो उनका जो नस होगा ये देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर नहीं मिलता है, मिडिल में नहीं है, हमारा सिर्फ यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इधर भी देखोगे नहीं मिलेगा, डीपली है ये देखिए, यहाँ आप करते रहो प्रिक, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ हमारे यहाँ से मिलेगा, ये देखिए इधर है, ये यहाँ से मिलेगा। तो जैसे कोई मोटे लोग हैं जो थोड़े हेल्थी हैं, या किसी की बॉडी पे स्वेलिंग बोल दी जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी किडनी प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी पे स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, कहीं कहीं स्वेलिंग हो जाती है, अब जो वो तो एक उनका रीजन है कि उनको एक बीमारी है, या मतलब उनको एक उनका किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो थोड़े हेल्थी हैं तो उनको यहाँ टच करते हैं, ठीक है, ये हम मीडियल क्यूबिटल वेन, ठीक है, ये जो होता है बीच का हिस्सा, ये वाला देखिए मीडियल क्यूबिटल वेन यहाँ पर होती है हमारी, तो हम इसको फील करते हैं। और जब आप फील करोगे तो उसमें एक स्प्रिंग जैसा, जैसे स्प्रिंग ऐसे होती है ना, तो उसी की तरह इसमें भी स्प्रिंग होगा हल्का, ऐसे दबाएंगे, जैसे हम यहाँ पर ये दबा रहे हैं तो यहाँ वैसा फील नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर हमें फील होगा। जैसे ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर फील हो रहा है, अभी इतना दिख नहीं रहा है किसी किसी, अब देखिए ये है, ये हाथ में दिख रहा है आपको, ये देखिए ये नस, ये वेंस हैं, ठीक है, ये वेन, ये वेंस हैं, ठीक है, इनको हम ऐसे प्रेस करेंगे ना तो देखो ये दबेगी, यानी फील होगी, स्प्रिंग होगी, वैसे यहाँ पर होता है। अब जो थोड़ी हेल्थी हैं लोग, उनके लिए क्या करें, उनके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखना है, ऐसे करके इसको दबा के देखना है कि यहाँ एकदम आपको, किसी किसी का तो थोड़ा डीप होता है, जो हेल्थी होंगे उनका थोड़ा डीप होगा, एकदम फैटी होते हैं कोई, कैसे होता है, तो उनका डीप होगा यहाँ पर, इधर साइड तीनों साइड आप चेक कर सकते हो। अगर आपको वहाँ भी सर्च नहीं हो पा रहा है तो मिडिल में एक बार जरूर चेक कीजिएगा, उसमें चेक करेंगे तो मिल जाएगा डीपली थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हम करें, नहीं, ऐसे करके देखिए एक बार, ऐसे दबा के देखिए, हल्का सा कहीं ना कहीं आपको जरूर फील होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अगर मान लीजिए उनका वहाँ पर भी नहीं मिलता है, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, इस पोर्शन से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और किसी किसी का यहाँ पर भी होता है, देखिए आपने कभी देखा होगा ना कैनुला वगैरह जब लगाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं कैनुला, और किसी को यहाँ लगाते हैं कैनुला, एक हमारे यहाँ, देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा ना दूर से ही, सॉरी दूर से दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ से भी मैं सैंपल लेता हूँ, मैंने भी यहाँ पे से लिया है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये देखो मेरा दूर से दिख रहा है आपको, आप लोगों को लाइट में दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए लाइट में दिखेगा, देख रहे हो लाइट में चमक रहा है दूर से, ये यहाँ से भी थोड़ा हल्का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो है, हिसाब से लेना पड़ेगा, रिस्की है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तुरंत हमारा ये जॉइंट होता है, यहाँ से सीधा एक ये भी गया हुआ है, देख रहे हो, ये यहाँ से भी लगता है, तो थोड़ा ध्यान दे के लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर भी होता है, ये देखिए यहाँ पर भी कैनुला लगता है, आपने देखा होगा यहाँ भी कैनुला लगता है, ठीक है, और यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो किसी का मिल ही जाएगा, जो ढूंढने वाला एक्सपर्ट है वो तो निकाल ही देगा, ठीक है, जैसे मैं तो निकाल ही देता हूँ, मतलब मेरे को कोई नहीं, जिसका हो या ना हो तो मैं खरीदूंगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही, पैर से भी लेते हैं लोग, पैर से भी ले सकते हो आप, बट सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग क्या होता है कि सैंपल लिया किसी को और डर जाते हैं, हाथ कप जाता है, बिल्कुल नहीं, क्या है, अपना फील करो, अपना फोकस करो वर्क पे, फोकस एकदम है, हम कहते हैं ना कि एक होता है, आपने सुना होगा, चलो हाँ ठीक है कर लेंगे, है ना, एक कहता है अरे हो जाएगा, एक क्या कहता है नहीं मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, आपने सुना होगा सचिन का पहला मैच खेला था शायद, कुछ था ऐसे ही,
उसको बॉल लगा, सचिन को बॉल लगा, ब्लीडिंग हुई, ब्लड आया, तो एम्पायर और साथ में जो सिद्धू जी थे उनके साथी जो उनके बगल में खेलते थे उनको भी बोला कि नहीं अब तो नहीं खेल पाएगा, सब लोग इकट्ठे हो गए, बोला नहीं। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ मैं, जब उन्होंने वो खेल रहे थे उनको चोट लगा था, उन्होंने बोला नहीं मैं खेलेगा, कॉन्फिडेंस था उनको पास। दूसरी बॉल कराई, चौका लगा। इसी क्या है ये लोग, आप जिसको जो पूछते हैं अच्छी बात है, पूछो आप कमेंट्स में पूछो जो कुछ ना पूछो, बट अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा हम आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। अब वही करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई डू, मैं कर सकता हूँ, अपनी अपने अंदर से बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो जो लोग अपने अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपना उत्साह बढ़ाते हैं और अपने ऊपर बिलीव रखते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वही करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेने को कोई भी ले सकता है, सिंपल सी बात है। बट कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैं कर लूँगा, वो अलग चीज़ है, कर लूँगा तो फिर वो नहीं होता किसी का। जो बोला वो कहते हैं कि एक कुछ दुआ है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पर में होएगी कौन करेगा कब। तो जो आज करना है वो अभी कर लो जितना हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी इसमें स्टडी, स्टडी स्टडी करो आप, उसके साथ प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टडी आपको पता होगी, प्रैक्टिस आप अपने आप करते जाओगे। ये देखो आप इसमें स्टडी कर रखी है किसी भी चीज़ की, हम जा रहे हैं उसमें लेके, तो हमें पता होगा कि ये चीज़ हमारा सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, ये हमारी ऑटोक्लेव है, ठीक है, ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की वो है मशीन, ये हमारी हिस्टोपैथ का है, ये सब डिपार्टमेंट जब आपको पता होगा, ये आरबीसी है, हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं आरबीसी है, पल्सल्स हैं, क्या है क्या नहीं है, इसकी हमें स्टडी पता होगी तो उनका आकार और उनका सब कुछ साइज सब पता होगा हमें, तो हम तुरंत उसका प्रैक्टिकल कर देंगे यूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, यूँ कर देंगे। तो यही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि मोटे हैं तो उनकी नस नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आपको पता है ना कहाँ कहाँ पे होती है, बस ये चीज़ है। सबसे पहले थ्योरी, सबसे पहले मैंने बोला था सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, उसके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ साथ बढ़ते रहो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करोगे आगे बढ़ेगी और, ठीक है। और अभी बाल थोड़ा छोटा करा लिया था मैंने, क्योंकि थोड़ा कुछ हो गया था इस वजह से, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्जी से ही, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने वर्क पे, फोकस कीजिए अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और स्टडी पे ध्यान दो बच्चों सभी लोग, ओके चलो बाय बाय, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।